नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब रोडवेज और पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल से पंजाब में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आम लोग और विशेष रूप से फ्री सफर करने वाली महिलाओं के लिए अधिक मुश्किलें खड़ी हैं। बीती 16 दिसंबर को रोडवेज यूनियन की राज्य सरकार के साथ मीटिंग भी बेनतीजा रही है। पंजाब के लोगों को प्रभावित हुई ट्रांसपोर्ट सर्विस के चलते आज भी परेशान होना पड़ेगा। चंडीगढ़ से पंजाब आवाजाही करने वाली बसें नहीं चलने से कई जिलों के लोग भारी परेशानी में हैं। मजबूरन लोगों को निजी टैक्सी और अन्य महंगे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी पंजाब की बसों से रोजाना सफर करने वाले लोगों और राज्यों से बाहर गए लोगों के लिए खड़ी है। बस पास बने होने के बावजूद भी अब उन्हें अन्य साधनों के लिए पैसे देने को मजबूर होना पड़ रहा है। सीएम भगवंत मान द्वारा बीते दिनों बादल परिवार की बसों समेत अन्य निजी बसों के चंडीगढ़ में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल पंजाब रोडवेज की बसें ही आवागमन कर रही हैं। लेकिन पंजाब रोडवेज और पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की हड़ताल पर होने के कारण इन बसों के चक्के भी रुक गए हैं। इससे आमजन के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी परेशानी बनी हुई है। पंजाब रोडवेज और पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की 16 दिसंबर को राज्य सरकार से बातचीत बेनतीजा रही है। लेकिन सोमवार को यूनियन के पदाधिकारियों की पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी से दोबारा मीटिंग होनी है। यदि इस चरण पर सरकार और यूनियन के बीच सहमति बनी तो लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। यूनियन की राज्य सरकार से आउटसोर्स भर्ती बंद करने, वेतन संबंधी समेत अन्य कई मांगे हैं। इन्हें लागू करवाने के लिए यूनियन लंबे समय से संघर्षरत है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।